हेलो गाइस। सो अभी अपन ने जो अपना इंडेक्स खुल चुका है निफ्टी का, प्राइस चल रहा है इसका अभी 46,800 के करीब। सो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। सो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी बाय करना है या सेल करना है निफ्टी का, कोई निफ्टी में, तो आप क्या उठाओगे? 46,000 रुपये का एक लॉट लोगे क्या? नहीं ना। तो आप लोग मतलब स्ट्राइक प्राइस वो होता है कि या मतलब प्रीमियम कि जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड रहता है। जैसे मान लीजिए इसका स्ट्राइक प्राइस होता है 46,000, 46,100, 46,200, 46,300। इसमें 100-100 रुपये का डिफरेंस होता है। और निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें 50 रुपीज़ का इंडेक्स होता है। जैसे 21,150, 21,200, 21,250 ऐसे कुछ रहता है। और इसमें होता है 100-100 रुपये का गैप। सो चलिए मैं आप लोगों को अभी एक ऑप्शन खोल के दिखाता हूँ। मैं आपको ऑप्शन चेन भी खोल के दिखा दूंगा, जैसे कि आप लोगों को मैं स्ट्राइक प्राइस बता दूंगा कि इन्हें अपने स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। सो चलिए मैं आप लोगों को पहले ऑप्शन चेन ही बता देता हूँ। आप लोग यहीं पर निफ्टी का जो इंडेक्स है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिल जाएगा। सो गाइज ये खुल चुका है अपना कुछ ऑप्शन चेन, आप लोगों को दिख रहा होगा। सो गाइज जो होते हैं, जो अपने बीच बीच में होते हैं ये दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं अपन स्ट्राइक प्राइस, जो कि देखिए 46,600। इन्हें बोलते हैं अपन अपना स्ट्राइक प्राइस 46,000, 46,100, 46,200 और 46,300 ऐसे करीब 100-100 रुपये के डिफरेंस में आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस मिल जाएंगे। अगर आप मान लीजिए 46,000 रुपये का कोई स्ट्राइक प्राइस उठा रहे हो यहाँ से, तो आपको उसका प्राइस कितना पे करना पड़ेगा आप यहाँ से देख सकते हो कि उसका प्राइस चल रहा है करीबन 1,000 रुपये। तो आप लोगों को मतलब एट द मनी और आउट ऑफ द मनी या इन द मनी आप लोगों को अगर ये भी नहीं पता है, सो मैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सो आप लोग लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो और ऐप मिल सके। आप लोग जैसे जितने यहाँ से जितने ऊपर जाते हो ये आपका इन द मनी हो जाता है, और जो अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है इसको बोलते हैं एट द मनी, और अब जितने ही नीचे आओगे उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, जो कि काफ़ी सस्ते प्रीमियम होते हैं। बट इसमें TTDK की वजह से इसका प्राइस काफ़ी कम हो जाता है और आप लोगों को इसमें 0 रुपये हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इन द मनी में काम कर सकते हैं। भले ही महंगा प्रीमियम होता है थोड़ा बहुत, लेकिन काफ़ी सेफ खेल सकते हो आप लोग। मान लीजिए अभी प्राइस चल रहा है 46,800 रुपये, तो मैं यहाँ पर 46,900 रुपये का एक ऑप्शन आप लोगों को ओपन करके दिखा दूँ। इसका प्राइस चल रहा है 330 रुपये। चलिए आप लोगों को कुछ ऑप्शन चालू करके दिखा दो, ऑप्शन एक खोल देता हूँ। अभी अपन में दोनों में अपना इंडेक्स खुला है निफ्टी का। सो चलिए आप लोगों को इसमें खोल के दिखाता हूँ, इसमें खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को वो अपना ऑप्शन क्या होता है। बताया मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी का 46,900 का, मैं अभी यहाँ पे कॉल ऑप्शन उठा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सो भाई जी अपना कुछ अभी ऑप्शन खोल चुका है, प्रीमियम बोलते हैं जिसको अपन ऑप्शन ही बोलते हैं। ये अपना इंडेक्स, इसका प्राइस चल रहा है करीब 46,800 रुपये, और इसका जो है ऑप्शंस है, एक मैंने ऑप्शन उठाया था आप लोगों को, इससे प्राइस बोलते हैं जिसको अपन, उसी को अपन ऑप्शंस भी बोलते हैं। इसका प्राइस चल रहा है अभी गाइस 330 रुपये, मैंने वहाँ पे बताया था आप लोगों को। अभी इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है, 330-340 रुपये के करीब अभी डोल रहा है। और इसका प्राइस आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ये मार्केट मूव दे रहा है नीचे ऊपर नीचे ऊपर, वैसे ही बिल्कुल सेम ये करता है हरकतें। अगर इंडेक्स बढ़ेगा तो पुट गिरेगा। चलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अभी मैंने जो आप लोगों को दिखा दिया है कॉल कॉल के दिखा दिया, अभी मैं आप लोगों को पुट भी दिखा लेता हूँ। चलिए आप देख सकते हो मार्केट अभी ऊपर अप ट्रेंड में है, तो अभी ये भी अपनी ट्रेंड में है, इसका लोअर हाई ये लोअर हाई। चलिए अभी आपको एक पुट खोल के दिखाता हूँ, पुट का ऑप्शन 46,900 का ही आपको एक ऑप्शन खोल के देता हूँ। बट पुट का कि पुट का क्या माल चल रहा है, इसका क्या प्राइस है, आप वही सब देख सकते हो 46,900 का पुट। ये मैंने पुट मेरे हिसाब से तो डाउन ट्रेंड में होगा, इस देख सकते हो अभी ये डाउन ट्रेंड में ही है, क्योंकि जो इंडेक्स है ये बढ़ रहा है। मैंने आप लोग बताया था कि जब इंडेक्स बढ़ता है तो पुट का प्राइस जो नीचे आता है। मार्केट बढ़ने का चालू हुआ था, मान लीजिए इसका हाई था लो था 46,600 रुपये का, तो मार्केट देखिए जैसे ही यहाँ से बढ़ा है तो यहाँ से ऊपर से गिरा है, अचानक से गिरा है बिल्कुल एकदम। और अभी ये यहाँ जैसे मार्केट यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है अभी, तो इस यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रही है। लेकिन आप लोगों को बस याद ही रखना है कि जब मार्केट बढ़ता है तो अपन को कॉल बाय करनी है, और अगर पुट खरीदना है जब मार्केट बढ़ता है तो आप लोग पुट खरीद सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है आपको क्या खरीदना है, मैं आप लोग बता रहा हूँ सिर्फ, अगर मार्केट बढ़ता है तो पुट गिरता है, और अगर मार्केट गिरता है तो पुट बढ़ता है। बाकी आपको पुट एंड कॉल दोनों में ही प्रॉफिट होता है, मैं भी करता हूँ, मैं भी ट्रेड लेता हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा कॉल ही और पुट दोनों ही बाई कर लेता हूँ कभी कभी, तो लेकिन मैं जो सेलिंग में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि गाइस
इसमें थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है मेरा, मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोगों को करना है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो मेरा काम था आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।